मैडम, कैसे संपर्क में आए आप विधायक जी के और क्या पूरा मामला है? जॉब के सिलसिले में गई थी मैं इनके यहाँ पे, तो जॉब के लिए तो उन्होंने कहा कि जॉब तो रहने दो, क्या कि जॉब करने की कहाँ ज़रूरत है, आप इतनी स्मार्ट हो, क्या कोई ज़रूरत नहीं है जॉब करने की, मैं तुम्हारी मदद करूँगा नहीं से। तब गई थी मैं, तो अब मुझे नहीं पता उनके मन में क्या मेल है। उन्होंने क्या 2-2.5 महीना तक हम लोग बातचीत करते रहे, यानी कि फिर उसने क्या दोस्ती का ये रखा कि नहीं आप मुझे पसंद आ गए, दोस्ती करना चाह रहा हूँ मैं, क्या आप बोलो तो मैं शादी भी कर लूँगा। बार बार मुझे धोखा देते रहे हो, शादी कर लूँगा शादी कर लूँगा क्या, लेकिन वो शादी का नाम जब भी लेने जाती है ना, मेरे को धमकी देने लग जाते कि मुंह बंद करके चुपचाप पड़ी रहे घर में फिर क्या। आज आप कब गए थाने में और क्या मामला दर्ज करवाया है? मेरे को धोखाधड़ी हुई है मेरे साथ, मेरे क्लाइंट अब क्या कह रहे हैं वो? नहीं, ने, वो तो अभी तक मेरे मतलब इससे पहले क्या बातचीत हो रही थी? लास्ट आपकी क्या बातचीत हो रही है? वो विधायक से, मैं वल्लभ नगर जो चुनाव हुआ था ना, जो उन्होंने बोला था कि मैं वहाँ से चुनाव ख़त्म करके मैं तेरे से शादी कर लूँगा, मुझे 2 स्टाम्प चाहिए, स्टाम्प चाहिए, तो मैंने उनको 500-500 के 2 स्टाम्प दे दिए क्या। तो 2 स्टाम्प लेने के बाद में फिर वो मेरे को नहीं फ़ोन किया, नहीं मेरा फ़ोन अटेंड कर रहे हैं, उसका जो मित्र है गोपाल सिंह उनको भी फ़ोन करके मैंने बोला कि नहीं वो मेरा वो स्टाम्प लेने के बाद में नहीं फ़ोन अटेंड कर रहे, नहीं उठा रहे, का कारण क्या है मुझे बताओ। तो फिर उन्होंने भी, गोपाल सिंह ने भी मुझे बोला कि मेरे को कुछ बता नहीं रहे, मेरा आप जाने वो जाने क्या। फिर ले तो काफ़ी अच्छे से बात करते थे, स्टाम्प लेने के बाद में गोपाल सिंह ने भी है ना अपना रंग दिखाना चालू कर दिया स्टाम्प के, खाली स्टाम्प पे? हाँ खाली कोरा स्टाम्प। अच्छा, और कहाँ मिलते थे आप विधायक जी से? विधायक जी से तो मैंने जयपुर में तो साथ में ही रहते थे हम, वहाँ पे जयपुर 5 दिन तक साथ में रहे हम वहाँ, और उदयपुर में उदयपुर में तो रेगुलर महीने में 2-1 चक्कर लग जाती थी कहाँ उनकी, पे यहीं पे आपके घर आते थे? जी। और लास्ट बार भी रहे ना यहाँ पे, वो गोपाल सिंह जो है ना उनके फार्म हाउस पे मिले थे हम तो हर बार बेगाड़ी। आप वो संबंध बनाते हैं, जो भी करते थे आप विरोध नहीं करते थे? मैं विरोध करती थी उनसे कि मत क्या करो यूँ, कैसा कुछ नहीं, मैं तेरे जब साथ दे रहा हूँ तो किस बात का डर है ऐसा क्या। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं बस उसे शादी करना चाहती हूँ, शादी के लिए वो क्या कह रहे हैं? शादी के लिए अभी तक उसने मेरी फेस टू फेस बात नहीं हुई है। वो शादी के लिए क्या, वो मैंने कितनी बार उन्होंने उन बोला कि मैं कर लूँगा सब चीज़ें है ना धोखे से, यानी कि चीज़ें ले लेता मेरे से। थाने में मामला दर्ज करा दिया है, क्या बोला है पुलिस अधिकारियों ने? अच्छा, पुलिस वालों ने कहा कार्रवाई करेगी, कड़ी से कड़ी आपको न्याय दिलाएंगे, उनके भरोसे बैठी हूँ मैं चाहती हूँ मुझे न्याय चाहिए और मुझे शादी करवा दो बस, मेडिकल वगैरह हो गया आपका? सब हो गया।